भीष्म के कार्य बड़े अद्भुत थे, और वो गंधार नरेश वर्णे धतराक्षस दुई भारु गंधारी सोबली स्मृता। जो राजा था गंधार नरेश, उसकी बेटी थी जिसका नाम था गंधारी, वैसे गंधारी का नाम था सोबली। वो तो गंधार राजा की वो बेटी थी इसलिए उसका नाम है गंधारी, लेकिन उसका नाम था सोबली। देवी भागवत में वर्णन है, जैसे माता कुंती का नाम तो प्रथा था, तो कौंतेय राजा ने उसको गोद रूप लिया इसलिए उसको कुंती कहते हैं, नाम तो उसका प्रथा था, इसलिए तो अर्जुन को पार्थ कहते हैं। उसी प्रकार से गांधारी का नाम था सोबली, श्रीमद देवी भागवत में लिखा है। तो उसको भी पिता में भीष्म जबरदस्ती से लेके आए थे। तब शकुनी ने संकल्प लिया था कि बूढ़े भीष्म तेरे हस्तनापुर का चौपट मैं ही करके रहूंगा, और वही उस शकुनी ने किया जो गांधारी का भाई था, सोबली गांधारी का जो भाई था। आइए समय चलता रहा, चित्रांगद विचित्र वीर की मृत्यु हो गई, हस्तनापुर को कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात थी, माता सत्यवती रोती हुई पुत्र भीष्म के पास आई और कहा, बेटा मेरी आज्ञा है तुम विवाह कर लो, हस्तनापुर का राज्य डूब जाएगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तुम्हारे दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, शांतनु राजा ने प्राण पहले ही छोड़ ही दिए थे। तो जब ऐसा कहा तो भीष्म ने कहा, माँ तरकस का निकला हुआ बाण जब प्रतंचा के ऊपर चढ़ करके छूटता है वो वापस नहीं आता, उसी प्रकार से धैर्यवान लोगों की कही गई बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हे माँ, सूर्य उदित होना बंद कर सकता है, ये भीष्म के शब्द थे। धरती अपने क्षमा के गुण को भूल सकती है, सूर्य तपन चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग सकते हैं, लेकिन हे माता सत्यवती तेरा यह पुत्र अपने किए गए संकल्प को ठुकरा नहीं सकता। मैं विवाह नहीं करूँगा माँ, मुझे विवश मत करना, मैं कभी भी नहीं करूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा करूँ। भीष्म की आंख में आंसू आ गए, उन्होंने अपनी माता के चरणों में लंबे होकर के वंदन प्रणाम किया, कहा, माँ मैं विवश हूँ, मुझे न हस्तनापुर चाहिए, मैं तो इसका रक्षक हूँ, मैं तो इसका चौकीदार हूँ, मैंने तो आपके पिता को मैंने सब यह वचन जो दिया है उसका मैं परिपक्व रूप से मैं माँ पालन करूँगा, मुझे हस्तनापुर की जरूरत नहीं है, मैं काय के लिए मैं शादी विवाह करूं, शादी विवाह क्यों करूं माँ, बिल्कुल भी नहीं। जब यह शब्द कहे तो माँ की आंख में आंसू थे, माँ रो पड़ी, कहा, बेटा एक काम तो कर सकते, पूरी बात बताई कि महात्मा पराशर का तेज मेरी देह से पुत्र व्यास के रूप में प्रकट हुआ है, जो बहुत बड़ा मुनि है, बहुत बड़ा साधु है, और वो जन्म लेते ही बद्रीनाथ की तरफ चला गया था, और उसने मुझे कहा था कि माँ कभी आपदा विपदा आवे तो मुझे बुला लेना, मैं समाधान करूँगा, इसलिए बेटा एक बार कहीं से वेद व्यास को बुला करके ले आओ। बद्रीनाथ की यात्रा करी भीष्म ने और उनको भगवान व्यास मिल गए। भगवान व्यास उन दिनों में अनुष्ठान में थे, लेकिन उन्होंने वचनबद्ध थे कि माँ तू बुलाएगी मैं आऊँगा, भीष्म ने जाकर के कहा, और उसी समय भगवान वेद व्यास अपनी माता सत्यवती के सन्मुख आकर के हाजिर हो गए और कहा, माँ आदेश बताइए क्या करना है। माँ ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तू विवाह कर ले, तू आखिर में तो बेटा मेरा ये हस्तनापुर का वंश रिक्त हो रहा है, हस्तनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए, हस्तनापुर को संतान चाहिए। तब भगवान व्यास ने कहा, हे माँ 6 महीना मुझे लगेगा और मेरा एक अनुष्ठान पूरा होगा, और अनुष्ठान को बीच में बिगाड़ने से बड़ा अपराध लगता है, हे माँ, और उस समय ये तेरी जो पुत्र बदुआ हैं ये मेरे सामने से निकल जाएंगी तो इनको ही संतान हो जाएगी, मुझे विवाह की जरूरत कहाँ पड़ेगी, इनको ही संतान होगी, लेकिन उसमें 6 महीना लगेगा। माता की अबोधता, और माता नहीं मानी, माता सत्यवती नहीं मानी और कहने लगी, नहीं हमें हस्तनापुर का उत्तराधिकारी अभी चाहिए। विवश हुए भगवान व्यास, और भगवान वेद व्यास ने कहा, माँ तू नहीं मानती है तो अपनी बहुओं को बोल दे कि मेरे सामने से निकल जावे और उनको संतान हो जाएगी। जो बड़ी वाली थी जिसका नाम था अंबा, भगवान वेद व्यास के सामने से जैसे ही निकली लज्जावश उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसने नेत्र बंद कर लिए, निकल तो गई लेकिन उसने आँख बंद कर ली। जब वो निकल गई बहू, तब माता सत्यवती ने कहा, पुत्र क्या हुआ,
भगवान व्यास ने कहा, मां हुआ क्या, हस्तनापुर का भाग्य फूट गया, मैंने तुम्हें बोला था कि इसके परिणाम विपरीत जाएंगे और तुम नहीं मानी। बड़ी तेरी ज्येष्ठ बहू मेरे सन्मुख से निकली और उसने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए संतान तो होगी लेकिन जन्म से अंधी औलाद होगी। इसलिए उसका परिणाम यह था कि उसको अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। इसलिए महात्मा व्यास ने कहा, अपनी दूसरी बहू को कह दीजिएगा वो मेरे सामने से निकल जाए, जिसका नाम अम्बालिका था। वो भगवान व्यास के सन्मुख से सामने से जाकर के निकली तो वह भयभीत हो गई, कंपित हो गई, शरीर पीला पड़ गया उसका, निकल गई। माता सत्यवती ने पूछा, पुत्र व्यास क्या हुआ? कहा, माँ वो तो मुझे देख करके कांपने लगी, उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए बच्चा तो होगा दुबला पतला होगा, पीला होगा, इसी का कारण यह था कि उसकी कोख से पीलिया रोग से ग्रसित बिल्कुल शरीर पीला था। श्री पांडु जी महाराज का जन्म हुआ। बात समझ में आ रही है? फिर माता सत्यवती ने पूछा था, बेटा अब क्या करूं? तो भगवान व्यास ने कहा कि अपनी इन बहुओं में से किसी को एक को भेज दे, हस्तनापुर का उत्तराधिकारी आ जाएगा। तो अब के दोनों देवियों ने मंत्रणा बना करके दासी को लंबा घूंघट करके भेज दिया, कहा कि हमारी बात बताना मत। दासी आराम से निकल गई। सत्यवती माता ने पूछा कि अब के क्या हुआ? तो भगवान व्यास ने कहा कि तुम्हारी बहुएं तो नहीं आई, दासी आई थी, इसकी कोख से एक अद्भुत ज्ञान का दाता, ज्ञान का प्रदाता बालक जन्म लेगा। यदि उस बच्चे की बात मानते रहेंगे तो हस्तनापुर सुरक्षित रहेगा, यदि उसकी बात नहीं मानी तो माता हस्तनापुर डूब जाएगा। वो दासी की कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया उन्हीं का नाम महात्मा विदुर हुआ, वो विदुर जी हुए थे। वो सब बातें यहां पर लिखी गई हैं।